हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने हमारी लालसा बढ़ा दी। हम भी मजबूर लोग हैं, लालची आदमी हैं, कुछ न कुछ तो हमें भी चाहिए। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिले खूब बनाए हैं, लेकिन वापस एक माहौल बना है। आज भी अखबारों में चल रहा है कि वापस और जिले बनाए जाएंगे, तो अगर अब की बार जिले बनाए जाए तो मेरे निम्बाड़ा को नहीं भूलेंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। और निम्बाड़ा अगर ब्लॉक जिला बनता है तो जिला संभाग भिलवाड़ा भी इधर डाल देंगे, प्रतापगढ़ भी इधर ले लेंगे, निम्बाड़ा है ही तो हमारा चित्तौड़ संभाग हो जाएगा। तो हर बार संभाग मुख्यालय पर हम आपका स्वागत करते रहेंगे। तो इसलिए निसंदेह मैं तो थक गया था मानते मानते, लेकिन जब आप लालसा बढ़ाएंगे तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। इसलिए जब जिला बने तो निम्बाड़ा का ध्यान अवश्य रखें। मैं कोई जूते खोल के नंगे पैर चलने की कसम नहीं खा रहा हूँ, लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि हमें अगर जिला बने तो पहला जिला निम्बाड़ा बनना चाहिए, ये निवेदन करना चाहता हूँ। साथ ही कोई बड़ी मांग नहीं कर रहा हूँ, कृषि उपज मंडी के मंत्री माननीय मुरारी लाल जी यहाँ बैठे हैं। ये मंडी पूरे इस मेवाड़ संभाग में, चाहे उदयपुर की मंडी कल देखी, वहाँ निर्माण का काम काफी है, लेकिन व्यवसाय के अनुसार जितना व्यवसाय इस निम्बाड़ा मंडी में होता है वो संभाग में दूसरी जगह कहीं नहीं होता। आसपास में मध्य प्रदेश लगता है, वहाँ के व्यापारी और किसान भी आकर के अपनी उपज यहाँ तुलाते हैं। बहुत अच्छी सुविधाएं आपने दे रखी है, लेकिन जिस जगह ये कच्चा हमने पांडाल बनाया है, इस जगह मैं मांग करता हूँ कि लगभग 3 करोड़ की लागत आएगी, और यहाँ जैसे वो शेड सामने बने हुए हैं वैसे ही शेड पक्का यहाँ बन जाए तो निसंदेह व्यापारियों को और किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। तो जहाँ आप जाते हैं कुछ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना धन शायद कृषि उपज मंडी के पास भी निम्बाड़ा में उपलब्ध है, केवल आप जरा सा इशारा कर देंगे तो अधिकारी दौड़ पड़ेंगे और किसान और व्यापारी नार हो जाएंगे। यही मुझे कहना था। पुनः जितने भी वर वधु आए हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। मैंने ये प्रशासन शिविर, महंगाई राहत शिविर में जिस जिस पंचायत में गया, मैंने सबको निमंत्रण दिया था कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आकर के दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देंगे। वो वादा मैंने अपना पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री जी अब आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में पधारे गए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पुनः जब भी सामाजिक सरोकार के ऐसे काम में हाथ में लूं, आप आकर हमारे उमंग को इसी प्रकार से बढ़ाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समस्त मेरे युवा कार्यकर्ताओं को, मैंने तो केवल एक घोषणा कर दी थी कि मैं सामूहिक विवाह करूंगा। आज इतना बड़ा आयोजन किया है, जो मेजर का नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मेरे समस्त युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत मेहनत की और उसी मेहनत के कारण से मेरा पेट का पानी नहीं हिला और आपने इस काम को अंजाम तक पहुंचा दिया और मुख्यमंत्री महोदय ने आकर के 4 चरण लगा दिए। मैं पुनः मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।